हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से DTE यानी डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन असम की तरफ से रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है और इनकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर पहली वैकेंसी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री विद एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। और इसके अगर सैलरी की बात करें 14,000 से 60,500 रुपये प्लस पे ग्रेड 6200 रुपये रहेगा। और इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 15 पोस्ट हैं। और अगली हम वैकेंसी की बात करें तो अगली है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, जिसके लिए आपका HSLC यानी 10+2 एंड हैविंग ITI, मतलब इंटर और ITI होना चाहिए, आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अगर हम पे स्केल की बात करें तो इसका पे स्केल 14,000 रुपये से 60,500 रुपये 6800 पे ग्रेड पे रहेगा। तो अगर हम इसके वैकेंसी की बात करें तो टोटल 25 वैकेंसी है। अगर अगली बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स की, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, अगर पे बाउंड की बात करें तो पे बाउंड 2 के अनुसार इसकी भी सैलरी वही रहेगी और पे ग्रेड आपका 7400 रहेगा। अगर इसके टोटल अब पोस्ट की बात करें तो 5 नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर हम अगली पोस्ट की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की, जिसके लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इसके लिए भी अगर सैलरी की बात करें तो 14,000 से 60,500 रुपये और 7400 पे ग्रेड पे रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5 है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट DTE.assam.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट 29 फरवरी 2020 से 20 मार्च 2020 तक रहेगी। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो नॉट मोर देन 38 ईयर और नॉट लेस देन 80 ईयर एज ऑन 1/1/2020। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।